नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट की बात करेंगे इस वीडियो में 17/12/2021 को फ्राइडे के दिन बड़ी एक गिरावट दिख रही है इंडेक्सेस में और निफ्टी 50 17,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। 234 पॉइंट की गिरावट है इस वक्त। जैसी सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट दिख रही है, लगभग 780 पॉइंट्स की गिरावट है, 780 पॉइंट की गिरावट है, 57,151 में कारोबार कर रहा है अभी। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, 35,799 है, 748 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 1.5 से 2% की गिरावट है इंडेक्सेस में। ये गिरावट हम लोगों को दिख रही है अक्टूबर के महीने। आज देखिए 17/12/2021 यानी मीन दिसंबर का महीना चल रहा है। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार ऊपर की तरफ से मार्केट फिसल रहा है। 17,000 के आसपास अभी इस कारोबार कर रहा है और एक डिप भी आया था, लगभग 16,700-16,800 से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। यानी 16,700 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर फिसलता है तो एक पैनिक सेलिंग होगी। जैसे कि मार्केट इस वक्त गिर रहा है, भारी गिरावट दिख रही है, पिछले 2 महीने के अनुसार मार्केट गिर रहा है और बाउंस बैक भी कर रहा है, ट्रेडिंग टाइप का हो रहा है मार्केट में। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, पुराने भी हैं, तो मन में ये शंका रहती है कि कितना मार्केट गिर सकता है। और बट ये कि कहीं ना कहीं खरीदारी करनी चाहिए, भले वो पार्ट में हो, SIP की तरह हो। तो 4 स्टॉक्स ही बात करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट 3 से 6 महीना या फिर 1 साल का अगर इनको समय दिया जाए और Q3 का भी रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में, तो बड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। और भी इवेंट हैं, न्यू ईयर है, तो मार्केट में अगर गिरावट गहराती है तो इन 4 शेयरों के ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो ये 4 शेयरों की बात करते हैं। सबसे पहला जो शेयर होगा दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का होगा। जैसे हैवी वेट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब रिलायंस ने जो हाई बनाया था 2,751 रुपया बनाया था दूसरी तिमाही के आसपास, जो दूसरी तिमाही का रिजल्ट निकला था, तब से एक तरह से गिरावट है, मुनाफा वसूली हो रही है और 2500 तक स्टॉक गया था। और आज के दिन बात करते हैं तो 17/12/2021 को जो इसका प्राइस है 2,340 रुपया है। तो ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही है। अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है और तो रिलायंस को देखना चाहिए, एक साथ इस वक्त पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। स्टॉक 2300 के नीचे फिसलता है तो थोड़ी बहुत और कमजोरी हो सकती है। कहने का मीन से पार्ट में लेना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, तो एक ट्रेडिंग पेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को देखना चाहिए, हैवीवेट स्टॉक है और अपने आप में एक सेक्टर है। इस वक्त स्टॉक गिर रहा है, ऊपरी लेवल से एक तरह से फिसला है, तो धीरे धीरे इसको खरीदना चाहिए। पर आगे 6 महीना और 1 साल का समय देंगे तो ये स्टॉक हमें अपना 52-week हाई भी ब्रेक करता हुआ देख सकता है और एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में Q3 का रिजल्ट है, बढ़िया एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और डीप में इसको बाय करना चाहिए पार्ट में दोस्तों। दूसरा शेयर रहेगा दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का रहेगा। ऑटो सेक्टर में एक तेज़ी बनी हुई थी, बट अभी क्या है कि मार्केट में जो सिचुएशन है तो इनमें क्या है कि ट्रेडिंग टाइप का हो रहा है। मारुति का स्टॉक लगभग 7,000 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 7600-7700 तक जा रहा है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए, हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं 18 नवंबर 2021 को 8,117 रुपया, 8,000 के ऊपर गया था दोस्तों ये। और फिर से देखिए एक तरह से 1,000 पॉइंट की गिरावट हो रही है इसमें, और 7,000 वाला स्टॉक है। बट ये है कि इस स्टॉक को देखना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। जैसे कि अभी हम लोगों को एक न्यूज़ भी सुनाई दी थी कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भारत में होगा, मारुति के स्टॉक को देखना चाहिए। और एक न्यूज़ बनी हुई है टोयोटा के साथ, ये EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे आने वाले समय में। तो मारुति का स्टॉक जो हाई बनाया था 8,200-8,300 के आसपास तक गया था, 8,368 तक गया था, तो उसको भी ब्रेक कर सकता है, बट समय लग सकता है 3 से 6 महीने का। हैवीवेट स्टॉक है ऑटो सेक्टर का और 2023-2024 तक इसमें एक बड़ी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म बेट के लिए भी दोस्तों। और ट्रेडिंग में अगर फ़ायदा मिलता है तो उसके अनुसार भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हमें 8,368 को भी ब्रेक करेगा और वहाँ से और तेज़ी की संभावना रहेगी। Q3 का भी रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में, इस बीच इसमें भी एक जंप होता हुआ दिख सकता है, तो इसमें भी एक तरह से पार्ट वाइज करना चाहिए। अगर कोई ऑटो सेक्टर में मारुति को लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक अभी 7,270 के आसपास है, मार्केट में गिरावट है, इसमें भी गिरावट हो रही है, तो जिनके पास समय है तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का दूसरा स्टॉक होगा दोस्तों। तीसरे शेयर की बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करते हैं। 1,837 रुपये में इसका शेयर प्राइस है, मार्केट में गिरावट है और अपने 52-week हाई के आसपास ही है।
और जिनके पास है L&T तो उनको तो आने वाले दिनों में और फ़ायदा देता हुआ दिखेगा और लगभग 2000 के ऊपर भी दिखेगा ये स्टॉक। अभी क्या है कि अगर कोई लेना चाहते हैं, थोड़े से और गिरावट होती है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में, तो डेफिनेटली स्टॉक को देखना चाहिए। और इसका जो लो बना था अभी हाल फिलहाल में 1764, हो सकता है यहाँ तक आता हुआ दिखे, इससे नीचे भी दिखे, तो इसको भी एक तरह से पार्ट में दिखना चाहिए। दोस्तों हैबिट स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जहाँ पर ग्रोथ की बात आएगी तो L&T का शेयर हमें ऊपर की तरफ दिखेगा और ये 2000 के ऊपर जाना चाहिए। दोस्तों इसका जो हाई है 1981.75 रुपये है, इसको ब्रेक करके 2000 के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट 6 महीना मान के चलिए, 6 महीना 1 साल का समय देंगे, बढ़िया एक रिटर्न मिल सकता है। मार्केट में अगर करेक्शन बढ़ता है तब भी इसको, इस स्टॉक को धीरे धीरे एक तरह से खरीदना चाहिए। जो एक साथ खरीदना चाहते हैं थोड़ा सा पार्ट में खरीदना चाहिए। इस वक्त जब मार्केट गिरती है तो एक पैनिक सेलिंग आती है, तब फिर मार्केट एक तरह से बाउंस बैक होता है। मान के चले कि जनवरी के महीने में कोई पैनिक सेलिंग होती है तो ये लार्सन एंड टुब्रो अगर नीचे की तरफ दिखता है डेफिनेटली इसको पार्ट में देखना चाहिए और ये स्टॉक हमें 2000 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और भी तेजी आने की संभावना रह सकती है। तो तीसरा स्टॉक ये रहेगा और उसके बाद जो स्टॉक रहेगा दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड का रहेगा। HDFC बैंक लिमिटेड का स्टॉक देखिए, इसने हाई बनाया था 1725 रुपये बनाया था, वहाँ से गिर कर 1477 रुपये तक आया है। तो एक दिग्गज बैंक है, प्राइवेट बैंक है और इसका भी Q3 का रिजल्ट आना है अगले महीने और इम्प्रूवमेंट होगा। अगर कोई ट्रेडिंग बेट के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेटर है और जिनके पोर्टफोलियो में है अभी स्टॉक, तो आने वाले समय में स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और HDFC बैंक लिमिटेड अभी गिरावट में है तो इसको भी पार्ट में देखना चाहिए। जैसे अगर कोई 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 50 ले लिया और 50 को जब ज़्यादा गिरावट बढ़ती है तो धीरे धीरे बाय करना चाहिए। इन चारों शेयरों को देखना चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में है प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो फिर से इन स्टॉक्स को देखना चाहिए। 1.5 साल में जो हम लोगों को ये दिख रहा था कि 4 दिन गिरावट हो रही थी तो फिर 8 दिन बढ़ रहे थे स्टॉक, उस तरह का हमको हम लोगों को कम देखने को मिलेंगे। बट ये है कि जिनके पास समय है, टाइम है, तो ये 4 दिग्गज हैं अपने सेक्टर के, इन शेयरों को देखना चाहिए, इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। रिलायंस, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, HDFC बैंक। फिलहाल इस वीडियो में इन 4 स्टॉक की बात है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शेयरों की बात करेंगे दोस्तों, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।